सवाल यह है कि तेजस्वी यादव बीजेपी का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे या फिर बहाना बना रहे हैं। राजनीति की दुनिया में हर बयान और हर तस्वीर का एक मैसेज होता है। तेजस्वी यादव मैसेज किसको देना चाहते हैं? क्या वो बिहार की मल्लाह जाति को साधना चाहते हैं या फिर तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिमों को मैसेज दे रहे हैं? ये बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी। बिहार में मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। नाम तो सुना होगा। सहनी मूल रूप से मल्लाह और निषाद जाति की राजनीति करते हैं। हमारे पिताजी मछली मारते तो उस घर से हम निकले हैं, जहाँ पे अगर दो रोज घर पे मछली ना मारा जाए तो तीसरे दिन घर पे खाना क्या बनेगा, इसके लिए समस्या खड़ा होता था, ऐसे परिवार से निकले हैं। वोट की बात करें तो बिहार में 7% मल्लाह की आबादी है, जबकि मुकेश सहनी इस आबादी को करीब 14% बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गई है। डील मुख्य रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी है। मछली कौन सा खा रही बताएं। कहने का मतलब यह है कि मछली खाते हुए जिस मल्लाह जाति का सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव के ठीक बगल में बैठा हुआ है, उस जाति को साधने के लिए तेजस्वी यादव भला ये वीडियो क्यों अपलोड करेंगे? तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है ये? किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी तेजस्वी यादव ने मल्लाह जाति के लिए मछली एपिसोड का प्रसारण नहीं किया है, तो क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो के जरिए बिहार के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं? सवाल के जवाब के लिए मछली एपिसोड शुरू होने से ठीक पहले लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की जारी हुई उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर नजर डालिए। आरजेडी ने मंगलवार रात को बिहार में अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को जगह मिली है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से शाहनवाज आलम को मैदान में उतारा गया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 19 में से 5 मुसलमान को टिकट मिला था। यानी 2019 में 25% मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया था और 2024 में सिर्फ 10% मुसलमानों को टिकट मिला है। ये बात तेजस्वी यादव के उस नारे के खिलाफ दिखती है जो आजकल वो हर चुनावी रैली में बार बार दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस नाव पर सवार है वो नाव तो डूब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टिकरण की नीति गजब की है। मुद्दा ये है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है, तभी तो लगातार इनके नेता सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति रीति रिवाज पर भी हमले करते हैं और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं।